दोस्तों ये क्या हुआ, ये तो वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया। फाइटर मूवी अभी हफ्ता भी कंप्लीट नहीं कर पाई थी और इस मूवी की ग्रोथ बहुत नीचे आ चुकी है। बहुत नीचे का मतलब ये है कि भाई डबल डिजिट से नीचे आ गई, वो भी अपने पांचवें दिन में ही, क्योंकि मंडे वर्किंग डे, भाई फर्स्ट मंडे वर्किंग डे आया और इस मूवी को इसकी औकात दिखा के चला गया, जो बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है ऋतिक रोशन के इस मूवी के लिए, जो मोस्ट मच अवेटेड मूवी थी। और सिद्धार्थ आनंद का ऐसा फाइनेस्ट क्रिएशन जो भाई साहब पठान से कंपेयर करा जा रहा था, एक बार के लिए पठान की स्टोरी को भी धिक्कारा जा रहा था, उसके विजुअल इफेक्ट्स को धिक्कारा जा रहा था, लेकिन फाइटर मूवी उससे कहीं गुना अच्छी देखने को मिल रही थी। बावजूद इसके भाई मूवी को वो कलेक्शन नहीं मिल रही है जैसी कलेक्शन भाई 2023 में हमें देखने को मिल रही थी। भाई अभी सारी चीजों पर बात करेंगे, कल ये मूवी कैसे सरवाइव करके गई है और अभी तक कितना कलेक्शन कर लिया है, बजट इसका 250 करोड़ के आसपास है, क्या इस बजट को ये रिकवरी कर लेगी या नहीं कर लेगी, मूवी हिट है या फ्लॉप है, सारी चीजों पर बात करेंगे। उससे पहले क्या करना है, वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब, कल डे 5 की अगर बात करूं तो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी लगभग 14 से 15% के आसपास रही है, फुल डे की मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग एंड नाइट को मिलाकर, जिसमें से अर्ली एस्टिमेट नेट इंडियन कलेक्शन कल का आते दिख रहा है 8 करोड़ के आसपास, जो बहुत बुरे संकेत हैं, क्योंकि संडे को अगर देखें, संडे के मूवी कमाई करके लाई है 28 से 29 करोड़ के आसपास, जो भाई साहब थर्ड टाइम नीचे ग्रोथ गिर चुकी है संडे के मुकाबले कल मंडे की अगर बात करें तो, क्रॉस कलेक्शन 11 करोड़ के आसपास आ रहा है, जो बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है मूवी को, क्योंकि अभी ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, फ्राइडे तक अगर ये रेज ना झेल पाई तो सैटरडे संडे भी उतना बूस्टर नहीं दे पाएंगे इसको। तो ऐसा पहले 5 दिन में टोटल नेट इंडियन कलेक्शन कल एंड ऑफ द डे तक हो चुका है अर्ली एस्टिमेट 127 करोड़ के आसपास, ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 153 करोड़ के आसपास, और पूरी दुनिया से ये मूवी 218 करोड़ इजीली कलेक्ट करके जा चुकी है अपने खाते में, जो देख के लग रहा है कि स्लाइटली अपने बजट को रिकवर करते नजर आ रही है। लेकिन भाई जो मंडे और जो वर्किंग डेज में हालत चल रही है, इस हिसाब से अगर 5-6 करोड़ आएंगे तो ये मूवी की ग्रोथ पूरी पिट जाएगी। बात करें आज यानी डे 6 की, आज कैसी ग्रोथ है, आज ट्यूसडे वर्किंग डे है, आज भी बहुत बुरे हाल है, आज कल से भी ज़्यादा बुरे हाल है, क्योंकि ओवरऑल ऑक्यूपेंसी लगभग से लगभग 12% के आसपास है, जिसमें एडवांस बुकिंग 1,87,00,000 के आसपास हुई है, टिकट 1,01,393 ही सोल्ड आउट हुए हैं, सोच में बिल्कुल कमी नहीं है, सोच बिल्कुल फाड़ के मिले हैं 14,649 सोच, इतने सोच तो शायद लियो मूवी को भी नहीं मिले थे, लेकिन बावजूद इसके भाई लियो ने बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही थी, वर्किंग डेज में भी वो डबल डिजिट में काम कर रही थी, 20 करोड़ से ऊपर ही जा रही थी। नेट इंडिया से अर्ली एस्टिमेट आज के लिए आ रहा है भाई 7 करोड़ के आसपास, ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 9.5 करोड़ के आसपास, और ऐसे में पहले 6 दिन में टोटल नेट इंडियन कलेक्शन आज एंड ऑफ द डे तक हो जाएगा इस मूवी का 134 करोड़, और पूरी दुनिया से ये मूवी आज एंड ऑफ द डे तक कवर कर लेगी 227 करोड़ के आसपास। तो भाई साहब क्या ये मूवी 250 करोड़ का बजट रिकवरी कर लेगी, देखो कर तो लेगी, लेकिन बहुत रो धो के घिसट पिसट के ऐसे बजट रिकवरी हो जाएगी, लेकिन जिस हिसाब से भाई इस मूवी से उम्मीद और होप जुड़ी है, क्योंकि मूवी में भाई कोई कमी नहीं है, मूवी दमदार है बिल्कुल, इसमें विजुअल इफेक्ट्स की बात कर लो तो वो भी धमाकेदार है, स्टोरी पैटर्न की अगर बात कर लो तो वो भी दमदार है, प्लॉटिंग जिस हिसाब से करी गई है, रिप्रेजेंटेशन जो डायरेक्शन है और जो विजन है डायरेक्टर की, वो बहुत अच्छी तरीके से खरा उतारने की कोशिश करी है, जो भाई साहब पहुंची है जनता तक, जो व्यूअर्स हैं वहां उनको टच करके गया है। दैट्स वाई कि इस मूवी से उम्मीद थी कि भाई मिनिमम 450 या 500 करोड़ तक टच कर जाएगी, लेकिन भाई 300 करोड़ भी टच कर पाएगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत बड़ा जनरेट हो जाता है, जो बिल्कुल क्वेश्चन मार्क देके जा रहे हैं, तो आप लोग बताएंगे कि भाई साहब आगे क्या होगा इसका हाल, क्योंकि भाई लगभग में लगभग 300 करोड़ भी कर लेती तो बहुत है इसके लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद। We'll be right back.